बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी YouTube फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जा रहे हैं, खुश रहें, बाद रहे, हंसते मुस्कुराते रहें। तो प्यारे बहन भाइयों, आज है ईद उल फितर और मेरी तरफ से आप तमाम यूट्यूबर फैमिली को, तमाम मुसलमानों को ईद मुबारक, दिली ईद मुबारक। तो आज मैं बनाऊँगी जी गुड़ वाला मुखड्डी हलवा। तो इसके लिए मैं जो है ना गुड़ कर रही हूँ, ये पिघला रही हूँ इसको, पहले गुड़ को पिघला लूँगी और मैं सूजी को भी भिगोती हूँ। ये सूजी जो है, 1 किलो सूजी है, इसको मैंने छान कर रखा है, इसको मैं भिगो के रखती हूँ साथ ही। फिर सुबह सुबह पहले सेवैयाँ बनाई हैं मैंने, तो अभी जो है ना मैं ये गुड़ वाली जो है ना खड़ी हलवा बना रही हूँ। ये देखें जी सेवैयाँ, माशाल्लाह से सेवैयाँ। गुड़ की चाशनी हमारी बस तैयार होने वाली है, फिर इसके अंदर हम जो भिगो के रखी है मैंने सूजी, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये सूजी भिगो के रखी हुई है, 1 किलो सूजी। देखिए बहन भाई, गुड़ की जो है चाशनी वो तैयार हो चुकी है, ऊपर आ रही है अभी, ये सही फुल तैयार हो गई है चाशनी गुड़ की। इसके अंदर मैं डालूंगी अब सूजी जो भिगो के रखी हुई है, ये इसके अंदर मैं डालूंगी। सूजी इसके अंदर अब ऐड कर दी है मैंने सूजी, अभी बना तो नहीं है, अभी फिलहाल मैंने इसको नीचे उतार के आपको दिखाने के लिए मैंने नीचे उतारा है चूल्हे से नीचे। तो ये अभी ऐसा हो गया है, अभी इसको कम से कम आधा घंटा और लगेगा पकने में। देखें जी माशाल्लाह से ईद ठंडी हो गई है हमारी, तो बारिश शुरू हो गई है, अल्लाह के फजल करम से बारिश हो रही है। देखें जी बादल जो है ना काले स्याह आए हुए हैं और बारिश हो रही है। बारिश हो रही है, ठंडी ईद हो गई हमारी। तो आप बहन भाइयों ने भी बताना है कि आपकी ईद कैसी गुजरी, ठंडी या गर्म? हमारी तो हो गई है ठंडी 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 ईद। आप बहन भाइयों ने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी। माशाल्लाह से ठंडी हवा आ रही है, माशाल्लाह से लोग इन्जॉय कर रहे हैं। देखें बादल जी, माशाल्लाह से बादल सही बने हुए हैं और हमारी ईद तो गई है ठंडी हो। ये जी हलवा भी हमारा बन चुका है, तैयार हो चुका है, रेडी हो चुका है। ऊपर मैंने डाल दिया है किशमिश भी और खोपरा भी काट के छोटा बारीक बारीक। वो देखें जी हमारा मुर्गा सामने खड़ा है और मैं ट्रेन भी दिखाती हूँ, ट्रेन आ रही है बाहर से। मौसम बहुत प्यारा हुआ है और बाहर से आ रही है ट्रेन 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 ट्रेन। इधर देखें जी गाइस, हमारा मुर्गा जो है ना ये पैरों को खाता है।
बारिश होने की वजह से चारपाई उधर लगी हुई थी साथ दीवार के, तो बारिश आई है तो सारा गीले होने शुरू हो गई थी, तो चारपाई फिर मैंने कर ली है इधर, फिर के साथ थी बिल्कुल, तो बारिश शुरू हो गई है तो इसके ऊपर फिर अब पड़ गई है सारी, इसकी तरफ बारिश हो रही है साइड वाली साइड पे, तो चारपाई गीली हो गई है, फिर इधर की रखी है जी। तो प्यारे बहन भाइयों, ये था हमारा ईद का पहला दिन की वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी, अगर आप पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कर दें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाया करें और लाइक शेयर किया करें मेरे चैनल को, ताकि मेरा भी चैनल ग्रो कर सके और आपकी बहन ये कामयाब हो जाए, यूट्यूब अच्छी बन जाए, अच्छी यूट्यूबर बन जाए, मेरा भी यही ख्वाब है, और जो है ना मैं इस यूट्यूब से इनकम कर सकूँ और अपने बच्चों की अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से इनकी मैं जो है ना परवरिश कर सकूँ। तो प्लीज़ मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आज मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़रूर मेरी वीडियो को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें, आपका तो कुछ नहीं जाएगा प्यारे बहन भाई, आप तो वीडियो देखते ही होंगे, इसलिए आपसे फिर भी रिक्वेस्ट है ज़रूर किया करें। तो मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें, अल्लाह ताला आप लोगों को भी देश परदेश खैर रखे आपकी भी, और देश परदेश जितने मेरे बहन भाई हैं उनको मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक, ढेरों ईद की खुशियाँ मुबारक हों, और अपने सपनों से प्यारों से अपने से दूर हैं जो, अल्लाह ताला उनको जल्द अपने प्यारों से मिलाए, और फिर मेरी तमाम जो भी यूट्यूबर मेरे बहन भाई हैं उनको भी मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक। तो मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान ज़िंदाबाद।